हमारे सेंटर में जो आय के स्रोत हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, और जब आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए हमने टटोला और सारी चीज़ों का एनालाइज़ किया तो उसमें हमने पाया कि पंतनगर के बीजों की सबसे ज़्यादा डिमांड फार्मर्स के बीच में रहती है। तो उसी को बीच में रखते हुए फिर ये कोशिश हुई कि अपनी जो बीज उत्पादन की कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए, और उसी का ये नतीजा है कि आज ये 1 टन पर आवर कैपेसिटी का सीड प्रोसेसिंग प्लांट आज वो इनॉग्रल होगा। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हम इस केंद्र पे प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम अपनाए, और वो बीज विधायन का कार्य आज भी जो है किसानों की इतनी ज़्यादा मांग है कि पंतनगर बीज ही हमको जो है मिले, जिसमें कि शुद्धता होती है, उसकी गुणवत्ता होती है। और इसको दृष्टिगत रखते हुए कि पूर्व में जो हमारा एक ये बीज विधायन संयंत्र जिसके तहत कि हम प्रजनक बीज का उत्पादन करके और खुद ही जो है यहाँ से किसानों को या प्राइवेट संस्थाओं को या जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार की संस्थाओं को हम बीज जो है उत्पादित कर करके इस केंद्र से जो है वितरित करते रहे, खरीफ की या रबी की जो है अन्य की फसलें हैं उनको उनका हम बीज उत्पादन करके इस केंद्र के द्वारा जो है हम उत्पादित कर जो है विभिन्न संस्थाओं को भी प्रदान करते हैं, जिससे कि जो है हमारा किसान प्रत्यक्ष रूप से जो है लाभान्वित हो सके। देश के किसानों तक अच्छा बीज जो सर्टिफाइड सीड पहुंचता है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान कृषि महाविद्यालय के सारे वैज्ञानिकों का है। सभी टीम फॉर्म में इस सीड प्रोडक्शन के कैंपेन में लगे हुए हैं। ये यूनिट जो आज इस्टेब्लिश हुई है, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये काम तो लगातार चला ही रखा है 6 दशकों से पंतनगर विश्वविद्यालय ने। लेकिन जब 6 दशकों के अपने इस प्रयास प्रभाव में जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है हम रेनोवेट करते रहते हैं, नई मशीनें लाते रहते हैं, टेक्नोलॉजीज अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि हमारे इस बीज उत्पादन की प्रक्रिया को कभी भी बाधा न पहुँचे। विश्वविद्यालय से अच्छे बीज का मतलब ये होता है कि वो बीज छांटा हुआ है, देसी भाषा में बोलते हैं छांटा हुआ बीज। यहाँ पर एक ऐसा संयंत्र जो बीज को छांटता है, ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का। किसान जब खेत में बीज बीजता वो छांटा हुआ नहीं होता, इसीलिए उसकी यील्ड प्रोडक्शन का हमेशा चाहे कितना भी अच्छा हो वो ऑप्टिमम रहता है। इसके बाद विश्वविद्यालय के बीज का मैं आज ये अनाउंस कर रहा हूँ, एक ब्रांड होगा पंत ना। आपको पता है बाहर आजकल हमारा नाम बहुत प्रयोग में लोग ला रहे हैं, किसान भी ला रहे हैं। तो मैंने डायरेक्टर सर से बोला है कि अभी हम अगली मीटिंग में एक लोगो और वो है, हम पंत को एक ब्रांड बनाएंगे।